फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे। आज हम इस पोएम की फुल एनालिसिस को समझेंगे, फुल समरी को समझेंगे एंड लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बता दूं कि ये एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसे दिलीप चित्रे ने लिखा है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जहाँ पोएट ये दिखाता है कि एक बूढ़े आदमी का अकेलापन और किस तरह वो बोर हो चुका है एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए। और पोएट ये अपने खुद के फादर का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि कैसे उसके फादर घर लौटकर आते थे काम से शाम में। जो पोएम है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है कि जो पोएट के फादर पुरुषोत्तम चित्रे की ज़िंदगी पर आधारित है 1957 में, जब वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे बड़ौदा से मुंबई। इस पोएम में पोएट अपने फीलिंग्स, अपने फादर के लिए जो महसूस करता है अपनी ज़िंदगी के आगे के दौर में, उसके बारे में बताता है। पोएट ये रियलाइज़ करता है कि कैसे उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, यानी कि इग्नोर किया, केयर नहीं की अपने फादर की, जबकि वो अकेले थे फैमिली में कमाने वाले। लेकिन अब ये पोएम फादर रिटर्निंग होम अपने ऑटोबायोग्राफिकल मीनिंग से भी कई ज़्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब ये हर उस बूढ़े आदमी की कहानी बन चुकी है जो मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए और उसकी ज़िंदगी रोज़ एक जैसी रूटीन हो जाती है और कोई नहीं होता उसका ख्याल रखने वाला, उससे बात करने वाला, उसके जज्बात समझने वाला। इस पोएम में 2 स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा में 12 लाइंस है और ये एक फ्री वर्स पोएम है, यानी इस पोएम में किसी भी राइम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो इसमें राइम नहीं है वो ये सिंबलाइज करती है कि पोएट के फादर की ज़िंदगी भर परवाह नहीं की गई है। इस पोएम की लैंग्वेज बहुत ईजी है, सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जैसे सिमिली। ये पोएम फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, यानी पोएट ने खुद नरेट किया है इस पोएम को कि कैसे उसके फादर घर वापस आते थे और घर वापस आने के बाद वो क्या करते थे। चलिए इस पोएम को लाइन वाइज समझते हैं विद एनालिसिस। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। पोएम की शुरुआत होती है जिसमें पोएट अपने फादर के बारे में बताता है कि कैसे वो घर लौटकर आते हैं। फादर जो है वो लेट इवनिंग में ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद। लेट इवनिंग ट्रेन, ये वर्ड से पता चलता है कि फादर कितनी देर तक काम करते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें कितनी देर रोज़ होती है और घर वापस आने में। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। तो जो फादर है वो ठहरे हुए हैं खामोश पैसेंजर्स के साथ पीली रोशनी में ट्रेन के कंपार्टमेंट में। इस लाइन से पता चलता है कि उनके फादर ने कितना सफ़र किया है अपनी जर्नी के दौरान। इतनी मेहनत करने के बाद वो घर वापस तो आ रहे हैं लेकिन ठहरते हुए ट्रेन में, क्योंकि उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिली और जो खामोश पैसेंजर्स हैं वो उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं कि वो उनसे बात करें या फिर आपस में बात करें। और जो येलो लाइट है वो भी कुछ खुशी की बात नहीं है। ये सब चीज़ों से उनकी फिज़िकल और मेंटल सफरिंग को दर्शाता है और उनकी जर्नी को मोनोटोनस बनाता है, यानी कि एक जैसा। सबर्ब्स स्लाइट पास्ट हिज अनसीइंग आइज। सबर्ब्स यानी कि एक एरिया होता है सिटी से बाहर का जहाँ बहुत सारे घर और शॉप्स होते हैं। तो ट्रेन जो है वो इस सबर्ब्स वाले रास्ते से गुजरती है, लेकिन पोएट के फादर का कोई इरादा नहीं है उन्हें देखने का। उन्हें कुछ ख़ास नहीं लगता उन्हें देख के, क्योंकि वो ये सब तो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और उन्हें कुछ भी नया या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो ये गुजरते हुए रास्ते भी ये बताते हैं कि पोएट की ज़िंदगी कितनी बोरिंग है और कितनी ज़्यादा रिपीटेड या मोनोटोनस है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट।
अब पोएट हमें बताते हैं कि इन लाइनों में कि एक बारिश का दिन था, उनके फादर का ड्रेस पूरा भीग चुका था बारिश के पानी से और उनका जो काला रेन कोट था वो भी मट्टी लगकर ख़राब हो चुका था और जो बैग वो कैरी कर रहे हैं जिनमें किताबें भरी हुई हैं वो उन्हें उठाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो बैग उठाने में। इन लाइनों से फिर से पोएट के फादर की तकलीफ़ों का अंदाज़ा होता है उनके सफ़र के दौरान, और ये सफ़र जो कि बहुत मुश्किल से गुज़रता है बारिश वाले दिन। ब्लैक रेन कोट से ये भी जाहिर होता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी बेरंग है एंड लाइफ कितनी डल है, और उनका बैग जिसमें बुक्स थी इससे ये पता चलता है कि वो कितने एजुकेटेड एंड पढ़े लिखे इंसान थे। His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. अब पोएट अपने फादर की उम्र के बारे में एक इम्प्रेशन देते हैं। उनकी उम्र की वजह से उनकी आँखों की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी है और उनके फादर घर की तरफ देखते हैं उनकी धुंधली आँखों से, वो भी एक गर्मी वाले दिन, ह्यूमिड नाइट में, वो भी जब बारिश हो रही है। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Poet ke father train se niche utarte hain. Yahan Dilip Chitre apne father ke train se niche utarne ko ek word dropped from a long sentence se compare karte hain. To ye ek figure of speech hai, yani ke simile hai. And ye bahut hi unique hai. In line se poet ye batate hain ke unke father kitne इम्पॉर्टेंट नहीं है उस भीड़ में ट्रेन की उतरते वक्त, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नीचे उतरते भी हैं या नहीं, वो बाकी दुनिया के लिए उतने ज़रूरी नहीं हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, हिज चैपल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। और ट्रेन से नीचे उतरने के बाद वो जल्दी जल्दी भागते हैं घर की तरफ। वो ग्रे कलर की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं और रेलवे लाइन को भी, और आखिरकार वो लेन में एंटर होते हैं और उनकी मिट्टी से लिपटी हुई चप्पल भी उन्हें जल्दी करने से नहीं रोक पाती है। पोएट ने वर्ड हरीस इस पोएम में दो बार यूज़ किया है। ये दर्शाता है कि वो कितनी जल्दी से उस माहौल से निकलना चाहते थे ताकि वो घर जल्दी पहुंच सके और थोड़ा सुकून पा सके। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। अब यहाँ से पोएम का दूसरा स्टैंजा शुरू होता है जिसमें पोएट बताते हैं अपने फादर के आइसोलेशन के बारे में कि किस तरह वो घर आकर खामोश रहते हैं बिना किसी से बात किए हुए। पोएट ने अपने फादर को रोज़ की तरह घर आते देखा है और फिर वो उन्हें वीक टी पीते हुए देखता है और एक बासी रोटी खाते हुए भी देखता है। पोएट जो है इस बात पर अपने रीडर्स का अटेंशन लाता है कि किस तरह कोई नहीं होता उनके फादर का ख्याल रखने वाला घर पर, लेकिन वो आदमी कोई शिकायत नहीं करता है न चाय के बारे में और ना ही खाने के बारे में, क्योंकि उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। वो इन सब के बारे में कंप्लेन करने की बजाय वो किताब पढ़ना पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वो चाय पीते हुए किताब को पढ़ते हैं, और वो इस बात से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स उनकी ज़्यादा परवाह करेंगे। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। अब स्पीकर के फादर टॉयलेट को जाते हैं और ख़ुद को अकेला करते हैं दुनिया से और सीरियस होकर सोचते हैं, और इस लाइन से पोएम की सारी थीम एक जगह हो जाती है। फादर जो हैं वो जानते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में और वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके फैमिली से कुछ सपोर्ट मिलेगा
घर जल्दी जल्दी आते हुए वो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उम्मीद टूट जाती है जब वो घर लौट कर आते हैं और कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं करते हैं। और जो टॉयलेट है वो सिंबलाइज करता है कि उनकी दुनिया कितनी छोटी हो चुकी है। टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ वो सोचते हैं अपने अकेलेपन के बारे में। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। फादर टॉयलेट से बाहर आते हुए अपने हाथ धोने वॉश बेसिन जाते हैं। पोएट ने अपने फादर को कांपते हुए देखा है वॉश बेसिन के पास, जब ठंडा पानी उनके सांवले हाथों पर गिरता है। उनका यूं लड़खड़ाना उनकी उम्र की वजह से भी है और इस डर की वजह से भी है कि वो दुनिया से कितने अलग हो चुके हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, यानी कि कुछ पानी की बूंदें उनके हाथ पर जो ग्रे हेयर है उन पर गिरती हैं, और ये सिंबलाइज करता है कि पानी तो जिंदगी का प्रतीक है लेकिन जो ग्रे हेयर है वो बुढ़ापे का प्रतीक है। तो इस बूढ़े आदमी की जिंदगी उनके बुढ़ापे को पकड़ी हुई है एंड उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किसी की भी जिंदगी में। हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। अब पोएट अपने फादर के रिश्तों के बारे में बोलता है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ कि उनके बच्चे, उनका है बुरा टेम्पर जिसकी वजह से उनके बच्चे मना करते हैं जोक्स या सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करने से। इससे पता चलता है कि उनके फादर के साथ उनके बच्चों का कोई भी क्लोज कनेक्शन नहीं है और बच्चे अपने फादर को आउटडेटेड समझते हैं क्योंकि वो मॉडर्न नहीं है और उन्हें एक बोझ समझते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनकी ज़िंदगी में, जबकि उनके फादर अकेले फैमिली मेम्बर है जो पैसे कमाते हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow passage. अब हम इस पोएम के आखिरी लाइनों में पहुंच चुके हैं जहां पर हम देखते हैं कि फादर सोने जा रहे हैं गाना सुनते हुए रेडियो पर, और अपने पुरखों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचते हुए और आर्यंस के बारे में सोचते हुए। रेडियो की आवाज़ भी इस बूढ़े आदमी की तकलीफ को दर्शाता है और इस बात से कि वो अपने पुरखों और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचता है, इससे इन्हें कुछ सुकून मिलता है अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर। और ये एक कोशिश है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागने की बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट के। और फिर जब वो आर्यंस के बारे में सोचते हैं उससे पता चलता है कि एंशियंट टाइम में और आज की सोसाइटी में कितना बदलाव आ चुका है और अब इस दुनिया में बूढ़े लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है और उनके अकेलेपन की परवाह करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे उन लोगों को सिंपथाइज करती है जो कि बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, और जिन्हें ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मैसेज को इस पोएम में बहुत ही क्लियरली डिलीवर किया जा चुका है और इस पोएम से इस पोएट को बहुत सारी इज्जत और पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, वो भी कई सालों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।